कोरोना काल के 2 साल के बाद इस वर्ष पुलिस विभाग में भी होली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। होलिका दहन और धुरेड़ी पर्व पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किए गए पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों ने होली के दूसरे दिन होली का पर्व मनाया। जिले के थानों और पुलिस लाइन में अबीर और गुलाल उड़ा तो वहीं ढोल की थाप पर वर्दी वाले जमकर नाचे। पुलिस लाइन में आयोजित होली कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। कोरोना काल के 2 वर्षों के बाद इस वर्ष पुलिस विभाग में भी होली का पर्व उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। होलिका दहन और धुरेड़ी का पर्व संपन्न कराने के बाद शनिवार को पुलिस विभाग में भी होली का पर्व मनाया गया। पुलिस अधिकारियों और जवानों ने जमकर होली खेली और आपसी सौहार्द और भाईचारे के इस पर्व की एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। होली मनाते हुए देख रहे थे, सबकी सुरक्षा का ध्यान रख रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो जो कमी रह गई थी वो आज पूरी वो कसर पूरी कर रहे हैं। और इसके लिए मैं हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। इस होली मिलन से कुछ थकान में भी कुछ है? बिल्कुल, पूरी भूल गए हैं थकान। बहुत अच्छा लग रहा है, रिफ्रेशिंग लग रहा है, पूरी 2 दिन की ड्यूटी भूल गए हैं। बहुत ही सर को बहुत बहुत धन्यवाद। जिले के पुलिस थानों और पुलिस लाइन में होली का आयोजन हुआ। यहां जमकर अबीर और गुलाल उड़ाया गया, साथ ही ढोल की थाप पर वर्दी वाले जमकर नाचे। पुलिस लाइन में आयोजित होली कार्यक्रम में एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा सहित तमाम पुलिस अधिकारी शामिल हुए और होली पर्व की खुशियां मनाई। आप सभी को होली की अनंत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज यहाँ होली मिलन समारोह, जब हमारी पुलिस अच्छे से सक्सेसफुली अपनी ड्यूटी कर रही है, तो ड्यूटी करने के साथ साथ थोड़ा रिलैक्स होना भी जरूरी है। इसके तारतम्य में आज ये होली मिलन समारोह रखा गया है। मुझे आशा है कि इससे हमारी पुलिस और अभी रिलैक्स होकर के आगे के जो चैलेंजेस हैं उसको और भी अच्छे से। होलिका दहन, धुरेड़ी और अन्य धार्मिक त्योहारों को देखते हुए बीते 2 दिन पुलिस कर्मियों और पुलिस अधिकारियों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने ड्यूटी की, लेकिन 2 दिनों बाद पुलिस अधिकारी कर्मचारी रिलैक्स भी नजर आए। कोरोना काल के चलते बीते 2 वर्षों से पुलिस विभाग में भी होली कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हुआ था।